समुद्र में जब भी कोई जहाज दिखता है तो हम सभी को टाइटैनिक की याद आ जाती है। वही टाइटैनिक जो सन 1912 में एक आइसबर्ग यानी कि बर्फ की चट्टान से टकराकर समुद्र में डूब गया था, और इस शिप के डूबने के अलावा हजारों लोग भी मारे गए थे। हॉलीवुड में इसी शिप के नाम पर इसकी पूरी कहानी पर आधारित एक फिल्म भी बनाई गई थी, जिसके बाद से सब यही समझते हैं कि टाइटैनिक ही दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। लेकिन दोस्तों, आज के मरीन इंजीनियर्स ने टाइटैनिक से कई गुना बड़े और मजबूत जहाज बना लिए हैं। इन जहाजों पर गेस्ट को मिलने वाली लग्जरी और शानो शौकत देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इनमें से कुछ जहाज तो ऐसे भी हैं जो बर्फ की चट्टानों को तोड़कर आगे बढ़ने में भी सक्षम हैं। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े 10 क्रूज शिप के बारे में। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है आरएमएस क्वीन मैरी 2। आरएमएस क्वीन मैरी 2 की जहाज की लंबाई 345 मीटर है और ये एक बार में 2620 सवारियों को समुद्र की सैर करवा सकता है। दोस्तों, इस जहाज को बनाने में 65 अरब रुपए का खर्चा आया था। बर्फीले मौसम से लड़ने के लिए इसे आधुनिक सुरक्षा तरीकों से लैस किया गया है। इसी कारण अटलांटिक महासागर के बर्फीले मौसम में भी इस जहाज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। दोस्तों, इस जहाज में एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल, बॉल रूम, थिएटर, स्विमिंग पूल, इंटरनेशनल लेवल का रेस्टोरेंट, कैसीनो और सेपरेट कैबिन मौजूद हैं। इस जहाज में वो सारी सुविधाएं हैं जो एक 5 सितारा होटल में होती हैं। इसलिए अगर इसे तैरता हुआ 5 स्टार होटल कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों, बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि क्वीन मैरी 2 को रॉयल मील शेप यानी आरएमएस के खिताब से भी नवाजा गया है, जिसका मतलब होता है कि ये शिप ब्रिटिश रॉयल मेल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में है। ऐसे सभी शिप्स के नाम के आगे आरएमएस जोड़ा जाता है। नंबर 9 पर है ओवेशन ऑफ द सीज। रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल का ये शिप क्वांटम क्लास सीरीज का तीसरा और अंतिम जहाज है। 348 मीटर लंबे इस जहाज का कुल वजन 168,000 टन है। ओवेशन ऑफ द सीज में 16 पैसेंजर डेक हैं, जो एक बार में 39 से 5 लोगों को ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा इस जहाज में कई बार्स, डांस फ्लोर, वर्ल्ड पूल, बच्चों के लिए वाटर पार्क, कैसीनो और एक 220 फीट आउटडोर पूल और फिल्म स्क्रीन भी है। इस जहाज की अधिकतम स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस जहाज को बनाने की कुल लागत 90 अरब रुपए आई थी। उत्तरी गर्मियों के समय में ये शिप तियानजन के शिप से ऑपरेट करती है। स्पेशली गर्मियों के टाइम ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में अपना डेरा डालती है। नंबर 8 पर है एंथम ऑफ द सीज। एंथम ऑफ द सीज एक बेहद ही शानदार शिप है, जिसका कुल वजन 168,000 टन और लंबाई 348 मीटर है। वजन और लंबाई के मामले में एंथम ऑफ द सीज ओवेशन ऑफ द सीज के बराबर ही है। इसमें 20 पैसेंजर डेक हैं और एक समय पर इस शिप में 5,000 लोग सफर कर सकते हैं। इनके अलावा एंथम ऑफ द सीज में 1570 बालकनी स्टेट रूम्स और 147 ओशियन स्टेट रूम्स हैं। इसमें एक ग्लास कैनोफाइड सोलेरियम पूल, खुली छत के साथ एक नया इंडोर पूल, 40 फीट लंबा सर्फ सिमुलेटर, S2 ओजोन के नाम से जाना जाने वाला बच्चों का प्ले पार्क और रॉक क्लाइंबिंग के लिए एक दीवार भी शामिल है। लेकिन इस क्रूज शिप पर एक अनोखी चीज है, डेक के ऊपर बना एक कांच का कैप्सूल जो लोगों को बीच समुद्र में 300 फीट ऊपर उठा सकता है। इसमें बैठकर यात्री 360 डिग्री समुद्र का नजारा ले सकते हैं, जो एक अद्भुत अनुभव है। इस जहाज को बनाने में कुल लागत 67 अरब भारतीय रुपए आई थी। नंबर 7 पर है क्वांटम ऑफ द सीज। 347 मीटर लंबे इस जहाज का वजन 168,000 टन है और इस जहाज में 4180 पैसेंजर एक साथ सफर कर सकते हैं। क्वांटम ऑफ द सीज एंथम ऑफ द सीज द सिस्टर शिप भी है। इस आलिशान क्रूज शिप में 16 यात्री डेक हैं, जिनमें से 8 डेक्स पर वर्चुअल बालकनी बनी हुई है, जहां से यात्री सफर के दौरान समुद्र का नजारा आसानी से देख सकते हैं। इनके अलावा 2090 स्टेट रूम, डबल स्टोरी स्वीट्स, स्टूडियो, कई रेस्टोरेंट, कैसीनो, बार, एक कॉन्सर्ट हॉल और यहां तक कि कम्फो तीन नूडल बार भी है। इस जहाज की USB इस पर मौजूद स्काई डाइविट से सिमुलेटेड है, जिसकी मदद से पैसेंजर भी समुद्र में 300 फीट तक उड़ने का मजा ले सकते हैं। और तो और, इस शिप पर एक बायोनिक बार भी है, जहां एक रोबोट बारमैन आपकी फेवरेट कॉकटेल्स तैयार करता है। एंथम ऑफ द सीज की तरह ही इस पे भी एक रॉक क्लाइंबिंग वॉल है। और दोस्तों, ये जहाज 94 अरब की लागत से बनकर तैयार हुआ था। नंबर 6 पर है MSC मेराविया। स्विट्जरलैंड की कंपनी MSC क्रूजेस की शिप MSC
से मैराविलिया में एक समय में 4,500 पैसेंजर ट्रेवल कर सकते हैं। 1,071,598 टन वजनी इस जहाज की लंबाई 315 मीटर है। ये शिप अंदर से कमाल का दिखता है। मैराविलिया की छत LED की बनी हुई है, जो 20 समुद्र में अपने डोम शो के जरिए यात्रियों को बिल्कुल एक अलग अनुभव देती है। इस जहाज में हेल्थ क्लब, बॉलिंग स्ट्रीट और एक हाईटेक मल्टीपर्पज मीडिया स्पेट भी है, जहां कॉमेडी शो, कैरियोके और लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस अक्सर होती रहती हैं। यहां तक कि दोस्तों इस जहाज में एक टीवी स्टूडियो भी है। इसके अलावा इस जहाज पर एक कैसीनो, डांस फ्लोर, वाटर पार्क, 3-4 वाटर स्लाइड्स, एक हिमालयन रोप कोर्स, 2 थिएटर, रेस्टोरेंट और लग्जरी स्पा जैसी एमिनिटी मौजूद है, जो आपको क्रू के सफर पर बिल्कुल भी बोर नहीं होने देती। इस जहाज की मैक्सिमम स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कीमत की बात करें, इस जहाज को बनाने में लगभग 82 अरब रुपए खर्च हुए थे। नंबर 5 पर है एडा नोवा। एडा नोवा दुनिया का पहला क्रूज शिप है, जो लिक्विडफाइड नेचुरल गैस पर चलता है। 337 मीटर लंबे इस जहाज का वजन 183,900 टन है। इसमें 20 डेक हैं, जिसमें एक समय पर 6,600 लोग सफर कर सकते हैं। इस जहाज में सोनाबाद, 2 प्राइवेट वेल्यूअर स्वीट्स, एक टेपेडेरियम और 80 स्पा सेंटर हैं। इसके अलावा एडा नोवा में 3 वाटर स्लाइड्स, एक वाटर पार्क, एक क्लाइंबिंग गार्डन, एक मिनी गोल्स कोर्स भी मौजूद है। जी हाँ, गोल्स कोर्स, वो भी समुद्री जहाज पर। इस जहाज की अधिकतम स्पीड 49 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे बनाने में 78 अरब भारतीय रुपए खर्च हुए थे। नंबर 4 पर है ओसिस ऑफ द सीज। इस जहाज का संचालन दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल शिपिंग करती है। इस जहाज पर एक बार में 5,400 लोग सफर कर सकते हैं। अविश्वसनीय 2,25,000 टन वजनी इस शिप की लंबाई 361 मीटर है। इस जहाज में 16 पैसेंजर डेक्स हैं, जिन पर चढ़ने उतरने के लिए 24 एलिवेटर लगे हुए हैं। इस जहाज में होटल, स्विमिंग पूल और एक सेंट्रल पार्क के साथ साथ थिएटर पूल भी मौजूद है। यही नहीं, इस जहाज पर भी आप वाटर सर्फिंग का मजा भी ले सकते हैं। स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए इसमें वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोर्स भी बनाए गए हैं। साथ ही इसमें रॉक क्लाइंबिंग वॉल्स भी हैं, जिसे आप समुद्र के बीच भी क्लाइंबिंग और एडवेंचर का मजा ले सकते हैं। इस शिप की हाईएस्ट स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इस जहाज को बनाने में तकरीबन 90 अरब रुपए का खर्चा आया था। और दोस्तों, अब हम पेश करने जा रहे हैं द 3 लार्जेस्ट क्रूज शिप इन द वर्ल्ड। नंबर 3 पर है एल्योर ऑफ द सीज। एल्योर ऑफ द सीज का मतलब हिंदी में सागर का आकर्षण होता है। दक्षिण कोरिया की कंपनी STX ने रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल के लिए 2010 में बनाया था। इस जहाज की लंबाई 360 मीटर है और पानी की सतह से इसकी ऊंचाई 65 मीटर है। इसका वजन 2,25,228 टन है। इस जहाज की सबसे खास बात ये है कि इसमें सवार होने के बाद आपको ये एहसास ही नहीं होता कि आप समुद्र में हैं। इस शिप में एक बार में 5,600 लोग ट्रेवल कर सकते हैं। पैसेंजर के लिए इस पर 2,700 कमरे और आलीशान सुविधाओं से लैस 28 लग्जरी स्वीट्स हैं। इस जहाज पर न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क की ही तरह एक गार्डन भी बना हुआ है। यही नहीं, एक शिप पर एक एम्यूजमेंट पार्क भी है। अगर ये भी आपको हैरत में डालने के लिए काफी नहीं है, तो एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए इसमें आइस स्केटिंग का भी इंतजाम है। साथ ही इस जहाज पर स्टारबक्स के कॉफी हाउस सहित 26 अलग अलग रेस्टोरेंट हैं। 100 अरब की लागत से बने इस शिप की अधिकतम गति 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर 2 पर है हार्मनी ऑफ द सीज। हार्मनी ऑफ द सीज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जहाज है। 1,20,000 टन वजनी इस शिप में एक बार में 8,500 लोग सफर कर सकते हैं, जिसमें 6,360 पैसेंजर और 2,100 क्रू मेंबर शामिल हैं। 94 अरब की लागत से बने इस क्रूज शिप को रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल ने बनाया है। ये शिप देखने में छोटे शहर की तरह लगता है और इस तैरते हुए शहर में 16 अलग अलग डेक हैं। इस शिप की हाईएस्ट स्पीड 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस शिप पर रॉक स्लाइड, मिनी गोस कोर्स, कैसीनो और 1,400 सीटों वाले थिएटर के अलावा 12 रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, वर्चुअल बालकनी और वॉकिंग स्ट्रीट जैसी फैसिलिटी मौजूद है। इसके अलावा शिप में एक सेंट्रल पार्क भी बना हुआ है, जिसमें 12,000 ट्रॉपिकल पौधे लगाए गए हैं। साथ ही इसमें एक एक्वा पूल भी है, जहां आपको पानी के अंदर कलाकार करतब दिखाते दिख जाएंगे। इतना ही नहीं, इस शिप के बायोनिक बार में 2 रोबोट्स पैसेंजर को ड्रिंक सर्व करते देखे जा सकते हैं। और दोस्तों, अब पेश है दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप और इसका नाम है सिम्फनी ऑफ द सीज। दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज है।
इसे रॉयल कैरेबियंस इंटरनेशनल ने मार्च 2018 में अपने बेड़े में शामिल किया था। इसके साइज का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसमें एक साथ 6,680 पैसेंजर और 2,200 क्रू मेंबर आराम से सफर कर सकते हैं। ये अपने आप में किसी छोटे शहर से कम नहीं। सिम्फनी की कुल लंबाई 362 मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 66 मीटर है। इसका कुल वजन 2,26,936 टन है और इस क्रूज पर कुल 18 डेक और 21 अलग अलग रेस्टोरेंट मौजूद हैं, जिनमें 300 से भी ज्यादा अमेरिकन, इटालियन, चाइनीज और जैपनीज कुजीन मिलती हैं। इसके साथ ही इस जहाज पर डिजाइनर शॉप, शॉपिंग मॉल और कैफे भी मौजूद है। सफर के दौरान पैसेंजर के एंटरटेनमेंट के लिए इस शिप में अम्यूजमेंट एरिया, थिएटर और एक डांस फ्लोर भी है। इतना ही नहीं, स्विमिंग के लिए इस शिप पर एक या दो नहीं बल्कि 24 स्विमिंग पूल हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए एक वाटर पार्क, एक फुल साइज बास्केटबॉल कोर्ट, जिम, आइस स्केटिंग रिंग और दो रॉक क्लाइंबिंग दीवारें भी इसी शिप पर आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही शिप के बीचों बीच एक सेंटर पार्क भी बना हुआ है, जिसमें 20,000 से ज्यादा ट्रॉपिकल प्लांट्स लगे हुए हैं। ये शिप 46 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है और दोस्तों सिम्फनी ऑफ द सीज नाम के दुनिया के सबसे बड़े जहाज को बनाने में कुल 97 अरब भारतीय रुपए का खर्चा आया था। खैर, दुनिया में इन क्रूज शिप्स के अलावा ऐसे विशालकाय और भी कई जहाज हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।